सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज, अभी का टाइम हो रहा है 9 और आज मुझे जाना पड़ रहा है प्लॉट पे। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि प्लॉट की स्टोरी क्या है। अराउंड आज से 2 साल पहले हमने एक दिल्ली में कंस्ट्रक्शन कराई थी, अराउंड 100 या 150 मीटर के एरिए में। बट उस टाइम पे हमसे एक प्रॉब्लम होगी या हमसे एक गलती होगी कि हमने जो उसकी रूफ है वो कॉन्क्रीट की ना कराकर वो टीन शेड ही करवा दी थी, जो मेट्रो टीन शेड होती है उसी करा दी थी। तो वहां पे इशू आया है कि जो वो टीन शेड है वो गर्मियों में काफी गर्म हो जाती है और नीचे की तरफ हीट प्रोड्यूस करती है, जिससे जो गर्म हवाएं होती है, जो हॉट एयर होती है, वो प्लॉट में ही है। तो वहां के जो वर्कर है उन्हें काम करने में बहुत इशू हो रहा है। तो मैंने आप आसपास सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, तो मुझे एक सॉल्यूशन मिला कि जो विंड वेंटिलेटर होते हैं अगर वो रूफ पे लगा दो, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में या बड़े बड़े जो कारखाने या बड़े बड़े जो वर्कशॉप होते हैं उनमें लगे होते हैं, अगर वो लगा दो तो उससे जो हॉट एयर होती है वो ऊपर की तरफ जाती है और वो सराउंडिंग में मिल जाती है और उससे फ्रेश एयर नीचे आती है। तो मैंने अभी ऑर्डर कर दिए है, 2 ऑर्डर किए हैं मैंने। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अगर आपको भी ऑर्डर करने हैं, वो मैंने ऑर्डर कर दिया और फिलहाल उन्होंने मुझे टाइम दिया है 10 बजे का। तो मैं अभी वैसे तो नहाया भी नहीं हूं और नहाने का कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, तो मैं आके नहाऊंगा और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो अब मैं निकल रहा हूँ प्लॉट के लिए, तो मैं सीधा आपको वहीं पे मिलता हूँ और दिखाता हूँ कि आज उनकी जो विंड वेंटिलेटर है उनकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है। सो फ्रेंड्स, मैं अभी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला हूँ प्लॉट पे। सो जब भी आप घर से बाहर निकले प्लीज मेक श्योर आप अपना मास्क कैरी करिए एंड अपना सैनिटाइजर कैरी करिए और कार में है तो सीट बेल्ट जरूर लगाइए। सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं अभी अभी पहुंचने वाला अराउंड 5 या 7 मिनट की दूर हूँ, तो मैं आपको फिर दिखाऊंगा कि इंस्टॉलेशन कैसे होती है और मेरी उनसे बात हो चुकी है, वो जस्ट पहुंचने वाले प्लॉट पे। तो चलिए मैं डायरेक्ट अब क्लॉप को प्लॉट पे मिलता हूँ। फिलहाल आ चुका हूँ मैं प्लॉट पर और मैं आपको एक बार यहाँ का ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में प्लॉट की लोकेशन क्या है और प्लॉट की जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे हुई पड़ी है। तो फाइनली इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया कट लगाने के साथ। इन्होंने जो उसका स्ट्रक्चर था विंड वेंटिलेटर का उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट की और फिर टीन को उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने कट किया अपनी कटिंग मशीन से बहुत ही एक्यूरेसी के साथ। ये प्रोफेशनल लोग थे एंड आई एम एडवाइस टू यू, प्लीज़ जब भी आपको ये ऐसा काम कराए प्लीज़ प्रोफेशनल से ही कराएं, क्योंकि एक बार जो काम अगर किसी भी ऐसे वैसे आदमी से करा ले तो फिर आगे फ्यूचर में बहुत परेशान करता है। तो आप प्लीज़ किसी भी काम को प्रोफेशनल से ही कराएं। इन्होंने जितना इन्हें पार्ट चाहिए था उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने कट लगाया और फिर उसी के अकॉर्डिंग टीन को काटा था इन्होंने। फिर ये स्ट्रक्चर को लेके आए विंड वेंटिलेटर को और इन्होंने इसमें इंस्टॉल कर दिया इसे। फ्रेंड्स, विंड वेंटिलेटर इंस्टॉल करने का मेन काम यही होता है कि आप स्ट्रक्चर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर ये ठीक नहीं लगा तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर इसे लगाने का, क्योंकि अगर ये ऊपर नीचे हो गया तो फिर पानी अंदर जा सकता है। तो सबसे मेन काम इसका यही है कि आप इसे कैसे फिट करते हो। और फिर इसके बाद इन्होंने जो भी पेच निकाले थे वो दोबारा से इसमें लगा दिए ताकि इनकी टीन की और स्ट्रक्चर की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाए, हवा में इधर उधर ना हो बॉन्डिंग इनकी जब भी आंधी या तूफान आए तो आगे पीछे दोनों। इन्होंने स्ट्रक्चर में पेच लगा दिए थे
फिर इसके बाद इन्होंने फैन को रखा इसके ऊपर, जो मेन एलिमेंट था विंड स्ट्रक्चर का। ये फैन, इसमें अंदर की तरफ एक फैन लगा होता है जो आपकी हॉट एयर उसे बाहर निकालता है। इसका मेन काम यही होता है, जो भी अंदर उमस है या जो भी अंदर आपकी हॉट एयर बन रही है उसे बाहर इन्वायरमेंट में फेंकता है, और जो फ्रेश एयर है उसे अंदर की तरफ ब्लो करता है। फिर इसके बाद इन्होंने इसमें भी नट लगा दिए थे स्ट्रक्चर और फैन के बीच में। दो लगाए थे हमने छत पे, ऐसे ही उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने दूसरा भी स्ट्रक्चर जो वो फिट कर दिया था, उसके ऊपर भी फैन लगा दिया था। और अब मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक। तो कुछ ऐसा फाइनल लुक है फैन लगने के बाद। ये इलेक्ट्रिसिटी फ्री होते हैं, ये नीचे की हवा से ही घूमते हैं। एंड लगने के बाद मैं अंदर से आपको व्यू दिखाता हूँ। जो प्लॉट था उसमें काफ़ी रोशनी भी हो गई थी, काफ़ी लाइटिंग भी हो गई थी। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई लाइट नहीं चलती, बिना लाइट के ही इतनी रोशनी थी। Much later. सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं गया हूँ घर एंड मैंने जस्ट अभी शावर लिया है और मैंने लंच किया है। सो, मैं आज के ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मैंने आउटडोर शूट किया था, तो ब्लॉग को कंटिन्यू करने की बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना नहीं और कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलता हूँ आपसे जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।